वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ जो आपके बोर्ड क्वेश्चन पेपर है 2023 परीक्षा अध्ययन, इसका हम ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 ये बुक में आपको ये मिल जाएगा, उसी को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि अपन हमें हम एक रट के नहीं, बल्कि हमें जो है ये कोई चीज अच्छे से हमें समझ में आए कि आखिर ऐसा आ कैसे रहा है। तो इसको हम इसे करते जाएंगे और रफ वर्क आपको रफ में मैं बताता जाऊंगा कि ऐसा एक्चुअली हुआ कैसे, कैसे ये आया है। चलिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, 6 मार्क्स के ये आते हैं। तो इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए, पहले क्वेश्चन के अंदर है, देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरिड 1 मार्क्स, सभी जो है 1 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 5005। तो इस तरह से आपको एक नंबर, इस तरह आपको वर्ड में दिया रहता है और आपको इसमें से ऑप्शन में चुनना होता है। तो यहां पर देखिए 5005, अब 5005 कैसे होगा, तो आपको यहां पर जैसे देखिए ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया। तो ये 5000 बोल रहा और 5, तो बीच में 2 जीरो होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किस ऑप्शन के अंदर है, तो आपका ये सी ऑप्शन के अंदर है, तो यहां पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल का हमेशा ध्यान रखिए मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो हमें ध्यान रखना है राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमें ये नोट कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है यदि ये जो है इस तरह का फिगर दिए हुए हैं, यदि इसका एक का 1 सेंटीमीटर, यदि इसका जो है साइड जो है 1 सेंटीमीटर की है, तो हमें निकालना है एरिया। अब एरिया ऑफ द पेरीमीटर आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, देखिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखिए कितना होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 होगी। ब्रेथ देखिए 1 और 2, तो ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए हम L इंटू बी, इसका मतलब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 कितना होगा, 20, और एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, देखिए हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4। तो इस तरह क्वेश्चन हो तो एक तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते, देखिए यहां पर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आपका ये आंसर जो है डायरेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। या कि मैं करने का तरीका बता देता हूं, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी की जगह आप x लिख लीजिए, तो x इंटू 1/8 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू क्या किया जाता है यहाँ पे, 8/4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू 2, तो ऐसा भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये तरीका मैंने दोनों बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं या आपको शॉर्टकट लगता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं कि विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ द 4। यहां पर देखिए हमें जहां भी मल्टीपल वर्ड आए वहां पे हमें टेबल पढ़नी होती है, 4 की टेबल पढ़ेंगे, 6 टेबल पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए ऐसा कोई इसमें फिगर हमें सेलेक्ट करना है जो दोनों के टेबल में आए, तो 2 देखिए 4 टेबल में तो आता ही नहीं है, 4 आता है लेकिन 6 टेबल में 4 नहीं आता है, 6 टेबल में आता है लेकिन 4 टेबल नहीं आता है, लेकिन 12, यदि हम 12 की बात करें तो 12 जो है आपका 4 3 जा 12 होता है और 6 2 जा भी 12 होता है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आई होप ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन भी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर देखिए, विच इज द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 123, 345 एंड 567। तो यहां पर जब भी ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमें लास्ट वाले से पहले वाले को या उससे पहले मतलब आगे वाले से पीछे वाले को आपको माइनस करना है, तो इसे पता चल जाता है कि कितने का डिफरेंस है। चलिए हम करके देखते हैं, यहां पर जैसे 567 है और 345 है, यदि हमने इसको माइनस किया तो 7 में 5 माइनस किया 2 हो गया, 6 में 4 2 और 5 में 3, इसका मतलब 222 का यहां पर डिफरेंस है।
तो इसका मतलब ये होता है कि सभी में ये प्लस किया हुआ है इतना ही। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे 567 में ये हमें प्लस कर देना, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 2 8 और 5 प्लस 2 7। यहाँ पर देखिए 789, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देन इन 1 मिलीमीटर। बिल्कुल उसको फिक्स दिमाग में बैठा लेना है कि 1 मिलीमीटर में आपका 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। और ये भी कभी ऑप्शन आ जाए यदि, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारी 8 नंबर भी हो गया, हाँ 7 नंबर हो गया। 8 नंबर के देखिए, हाउ मेनी सरफेस एरिया आर देयर इन 1 क्यूब। अब क्यूब के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो आपका 6 होता है। तो क्यूब और क्यूबाइड में सरफेस एरिया आपको ध्यान रखना है, चाहे क्यूब हो या कि क्यूबाइड हो, ठीक है। दोनों में आपका जो सरफेस एरिया या इनका जो है फेस 6 होंगे। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी एरिया। देखिए इसके अंदर जो है एक स्क्वायर है कोई, अब इसको हम करके देखते हैं कि इसने कैसे किया हुआ है। देखिए कोई मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो साइड ये बोल रहा है 3, तो ये सभी साइड इसकी 3 3 हो जाएंगी। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द एरिया, तो ध्यान रखना है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। दिख रहा होगा आपको साइड, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब एक मिनट, चलिए साइड इंटू साइड होता है। तो यहां पर हमारा जो है साइड दिया है 3, और तो 3 × 3 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखते हैं, व्हाट इज द बीजांक ऑफ द नंबर 231। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसका ऑप्शन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसका ऑप्शन जो है सी। तो ये आपका जो है, हमारी ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पूरा जो है इनको हमने डिटेल में पढ़ा और समझा। चलिए इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। तो ये बात कर रहा है किसकी, हमें पहले ध्यान देना है, ये बात कर रहा है स्क्वायर की। तो यहां पर चलिए इसके अंदर पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच स्मॉल स्क्वायर, ईच स्मॉल स्क्वायर इज क्या दिया है हमारे पास, इस तरह का हमें दिया हुआ है देखिए। तो ये एक जो है 1 सेंटीमीटर का जो है, एक स्मॉल स्क्वायर कितने का है 1 सेंटीमीटर का, और हमें निकालना है पेरीमीटर। तो यहां पर आप देखोगे कि ये कितने हैं, देखिए स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर तो है 9 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ कितने हैं 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर ये ब्रेथ हो गई। अब हमें यहां पर देखिए लेंथ हमारा 9 स्क्वायर है मतलब 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 3 स्क्वायर मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमें बच्चों याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा एल प्लस बी, तो ये भी एक ही चीज है। लेंथ की जगह में हमने लेंथ लिख दिया और ब्रेथ लिख दिया, 9 प्लस 3 होता है 12, और 12 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 24 सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये इजी वे में समझ में आया होगा। जब भी आपको लेंथ और ब्रेथ दे दे तो हमें इन दोनों को जोड़ देना है। सीधा सा बात यह है कि दोनों को हमें जोड़ देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका पेरीमीटर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए,
ग्रेसी बोरोड 4000, एक ग्रेसी है ये नाम का कोई लड़का या लड़की जो भी है, ये 4000 रुपए बैंक से इन्होंने क्या है उधार लिया एक नेट खरीदने के लिए, तो सी पेड। और उन्होंने क्या किया, बैंक को 345 एवरी मंथ एक साल तक ये पे कर रहे हैं। तो हाउ मच टोटल अमाउंट, अब ये पूछ रहा है भाई कितना रिटर्न किया। तो ध्यान में हमें क्या देना है यहाँ पे बात, कि ये रिटर्न जो कर रहे हैं ये 345 ईच मंथ और 1 ईयर, तो 1 ईयर में ध्यान देना है कि जो 1 ईयर होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 345 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4140, आप करके चेक कर सकते हैं। 12 में देखिए 25 जा 10, 24 जा 8 और ये 9, 23 जा 6, फिर ये 5 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 4 और 1 4, तो 4140, तो ये हो गया। तो यहां पर उसने टोटल मनी जो रिटर्न किया है ₹4142 बैंक, ठीक है। तो यहां पर इसने हमें लिखने की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ग्रेसी ने उधार लिया इतना, बोरो किया, बोरो मतलब उधार लिया बैंक से, और एवरी मंथ पे इतना कर रहे हैं, एक साल में होते हैं 12 मंथ, 12 से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है, इतना आपका ये आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड 3 इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन ऑफ द ईच फ्रैक्शन 1/5। तो 3 इक्विवेलेंट जो है हमें फ्रैक्शन लिखना है 1/5। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यदि मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो हमारा लास्ट में हम वापस यहां तक पहुंच जाएं। जैसे यहां पर देखिए इनको करने का तरीका, हमें 3 पूछा है तो 1/5 ऐसा लिख लीजिए। एक बार 1/5 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/5। तो जब 1/5, ये देखिए 1/5 और इनटू, तो ये कितना हो जाएगा 2/10। तो पहला तो ये हो गया, ये एक हो गया, दूसरा क्या करोगे 1/5 में किसका करेंगे आप मल्टीप्लाई, 3/3 का, तो 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, तो ये 2 हो गए। तीसरा देखिए 1/5 और 4/4 कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 4/20, तो ये 3 जो है हमारे निकल आइए। तो कौन कौन से हो गए देखिए, 2/10, 3/15 और 4/20। यदि चौथा भी बोलता तो हमें कुछ नहीं करना था, 1/5 लिख के और 4/4 कर देना था, तो कितना हो जाता 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20, ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि पूछता तो हमें क्या करना था, 5/5 से कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो 5/25 नेक्स्ट हो जाता, तो 5/25 नेक्स्ट हो जाता। अब यहां देख सकते हैं ये मैंने किया, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 1/5 × 5/5 करेंगे तो 5/25 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंगल 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल हमने इसमें पढ़ा इसी वीडियो के अंदर, कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल की स्पेलिंग आपको याद रखना है RIGHTANGLE। उसके बाद जो 90 डिग्री से मोर देन राइट एंगल है, 120 डिग्री क्या बोलते हैं इसको, मोर देन राइट एंगल है। अच्छा, उसके बाद 30 जो है ये लेस देन राइट एंगल है, तो इसको हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं और इसको राइट एंगल बोलते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में भी इस तरह दिया हुआ है, तो आपको इस तरह राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल, तो इस तरह की लैंग्वेज आपको याद रखना है। तो आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके लिए मेरा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है मेरे आर्य एंड आदित्य क्लासेस, तो ये आप जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट इससे जो है आगे के जो वीडियो होंगे मैथ के, इस तरह इसी तरीके से मैं आपको ट्रिकी तरीके से और भी क्वेश्चन समझाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।